now we will discuss about the sum and products of roots so if you want to find the sum and products of roots without solving the quadratic equation then how you how you can find the products product and sum of roots so in this video we will learn about to find sum and product of roots of a given quadratic equation without solving it सो इफ यू हैव एन इक्वेशन लाइक थ्री एक्स स्क् माइनस फाइव एक्स प्लस इज इक्वल टू जीरो अगर आपके पास ये इक्वेशन है और आप मालूम करना चाहते हैं सम और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट फाइंड करना चाहते हैं सोल्व किए बगैर तो आप कैसे फाइनड करेंगे देखिए हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि सम ऑफ रूट जो है उसको हम एस एडी नोट करते हैं और उसका फार्मूला है माइनस बी ओवर ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है अगर हम उसको पी से डिनोट करें तो उसका फार्मूला होगा सी ओवर ए तो हम कैसे फाइंड करेंगे इस फार्मूले की मदद से ही हम सम और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट फाइंड करेंगे तो हम सबसे पहले लेट करेंगे इसके रूट देखें इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स होंगे तो दो रूट्स को हम लेट कर लेते हैं हम कहते हैं लेट अल्फा बीटा अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा बीटा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन जो हमें इक्वेशन दी गई है हम कह रहे हैं कि हम लेट करते हैं अल्फा और बीटा इसके रूट्स होंगे तो हम सम ऑफ रूट्स फाइंड करना चाहते हैं तो हम कैसे फाइंड इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे अगर हम सम ऑफ रूट्स फाइंड करना चाहते हैं तो हम इन रूट्स को ऐड करेंगे तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा डेट इज सम ऑफ रूट एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू फार्मूला होगा माइनस बी ओवर ए सम ऑफ रूट्स का जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंड यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस बी अब देखिये माइनस बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखें ये फॉर्मूले का माइनस है ये एज इट इज ही लगाएंगे अब बी की वैल्यू आप देखेंगे तो ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी की जो वैल्यू है वो एक्स के साथ वाला कोफिशिएंट होगा एक्स के साथ तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बी जो है वो इक्वल है माइनस फाइव के और अगर हम बात करें ए की तो ए की वैल्यू एक्स स्केयर के साथ वाला कोफिशिएंट होगा डेट इज थ्री और अगर हम बात करें सी की डेट इज अ कॉन्स्टेंट टर्म सेवन ये सेवन हमारे पास कांस्टेंट टर्म होगी तो यहाँ पे हम पुट करते हैं बी की वैल्यू माइनस फाइव है तो हम ब्रैकेट में माइनस फाइव लिखेंगे चूंकि पीछे माइनस है ओवर जो है वो है, वो तो माइनस माइनस को प्लस करेगा फाइव बाय थ्री ये आ गया रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा लास्ट में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू है फाइव बाय थ्री विच इज़ इक्ल टू सम रूट्स एस इसी तरह अगर हम प्रोडक्ट्स ऑफ रूट फाइंड करना चाहते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला ये है डेट इज़ पी इज़ इक्वल टू सी ओवर ए अब चूँकि हम प्रोडक्ट फाइंड करना चाहते हैं तो हम इन एक रूट्स को ये वाले रूट्स को मल्टीप्लाई करवाएँगे तो इनको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे यहाँ से इसको हम इरेज कर देते हैं और अगेन हम हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एल्फा मल्टीप्लाई होगा बीटा के साथ विच इज़ इक्वल टू सी ओवर ए एंड ये पी है यानी प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है अब सी की वैल्यू देखें तो सी की वैल्यू इक्वेशन में यहाँ सेवन जो हमने यहाँ पर भी लिखी है तो यहाँ पर हम सेवन लगाएंगे और ए की वैल्यू थ्री है जो कि हमने यहाँ पर भी लिख ली है तो हम यहाँ पे ओवर थ्री लगा देंगे तो ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे अल्फा बीटा is equal to 7 by 3 which is equal to p so product of roots जो है वो हमारे पास 7 by 3 आया तो इस तरह से हम find कर सकते हैं sum और product of roots किसी भी given equation का इसी तरह हम अगर हम एक और example discuss करें sum of roots and product of roots निकालने के लिए तो हम वो discuss करते हैं हम एक एग्जांपल ले लेंगे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम लिखे यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास एल प्लस एम हम एक इक्वेशन लिखते हैं एल प्लस एम सो दिस इज अनदर इक्वेशन एल प्लस एम इंटू एक्स स्क्वे प्लस एम प्लस एन इंटू एक्स प्लस एन माइनस एल So, सबसे पहले हम क्या करेंगे हम सबसे पहले जो है वो यहाँ पे इस इक्वेशन के रूट्स लेट करेंगे ये एन है इसको हम ठीक से यहाँ पे लिख लेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो सके तो इसको हम एन यहाँ पे लिखेंगे तो हम लेट करेंगे पहले लेट अल्फा एंड बीटा यानी अल्फा बीटा बी द रूट्स रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ द इक्वेट करेंगे और सम ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है माइनस बी ओवर एनि ये एस के इक्वल है एस मीन समूट्स हमने इनको ऐड किया माइनस बी ओवर ए तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे बी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी जो के x के साथ वाला कोफिशेंट होगा वो b होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे b की वैल्यू m प्लस एन ओवर a की वैल्यू हम लिखेंगे वो जो है x स्क्र के साथ वाला कोफिशेंट वो a होगा डैट इज l प्लस एम तो यहाँ पे हम लिखेंगे l प्लस एम तो ये आ गया सम ऑफ रूट्स इसी तरह अगर हम प्रोडक्ट्स ऑफ रूट की बात करें तो p इज इक्वल टू अब हम इन रूट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे यानी अल्फा बीटा विल बी इक्वल टू सी ओवर ए अब सी की वैल्यू हम देखेंगे ये है कांस्टेंट टर्म इनके साथ x नहीं है मौजूद तो हम लिखेंगे सी की वैल्यू n माइनस एल ओवर ए की वैल्यू अगर हम देखें तो वो ये है a की वैल्यू ए एल तो नीचे हम यहाँ मैंशन करेंगे l प्लस तो इस तरह से हम सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं विदाउट सॉल्विंग इक्वेशन